दोस्तों अभी देख सकते हैं हम लोग का खाना निकल करके रेडी हो गया है। दोस्तों दिन का 12:30 बज गया हुआ है और आगे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं अपना गाड़ी कितना खाली हो गया हुआ है। दोस्तों अभी तरैया पहुंच चुके हैं और अभी पार्टी से भी बात हुआ है तो पार्टी बोले हैं कि अभी तो शाम हो गया, 5:30 बज गया है लगभग, तो आज तो लोड होगा नहीं। और इसमें अब डाल रहे हैं भिंडी, भिंडी को थोड़ा भूनते हैं, इसको ज्यादा नहीं चलाएंगे, खाली इसको पलटना है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके दुआ से हम भी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का 8:30 बज गया है और पिछले वीडियो में देखे हुएगा कि कांटा पे अपना गाड़ी आया था और वहीं पे रात भर हमको रुकना पड़ा था और आज सुबह सुबह पार्टी गए थे तो अभी चिमनी पर अपना गाड़ी को लेकर के आए हैं और खाली में लगा हुआ है। तो दिखाते हैं, अभी लेबर लोग लगा हुआ है खाली में, देखिए इधर लेबर लोग लगे हुए हैं खाली करने के लिए और अपना गाड़ी खाली हो रहा है। और देख सकते हैं इधर चिमनी भट्टा है, ईंट भट्टा पर आए हुए हैं और छोटू अपना इधर बैठा हुआ है, अभी खाली में लगा हुआ है। तो खाना उना बनेगा छोटू? बनेगा ना? तो ठीक है दोस्तों, खाना तो बनेगा। और दोस्तों यहाँ पे इतना नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि हमको लग रहा है कि दूसरे जगह जाना पड़ेगा, हमको वीडियो अपलोडिंग करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, ना होगा तो निकलते हैं और छोटू को बोल देते हैं जब तक कुछ बनाएगा अपना खाना उना, तो हमको तो जाना पड़ेगा अपलोडिंग के लिए, वीडियो अपलोडिंग में लगाना है। तो दोस्तों अभी निकलते हैं, चूरा और गुड़ का नाश्ता कर लिए हैं और छोटू भी इधर, देखिए रात का पनीर बचा हुआ है और रोटी, छोटू कर लिया नाश्ता और अभी खाना भी बनाएगा छोटू। और हमको तो जाना पड़ेगा अभी वीडियो अपलोडिंग में, क्योंकि आज भी समय से मेरा वीडियो नहीं आ पाएगा और देर हो गया है कि भट्टा पर है, यहाँ पर आसपास में कहीं पर नेटवर्क नहीं है और वीडियो अपलोडिंग के लिए चाहिए एकदम हाई फाई नेटवर्क। तो ठीक है, चलते हैं आगे में, देखते हैं। और कोयला व्यापारी जो है वो जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, तो उन्हीं के साथ चल जाते हैं कुछ दूर आगे तक। तो ठीक है दोस्तों, जब तक छोटू अपना खाना उना जब तक बनाने का शुरू करेगा ना छोटू। हाँ। ठीक है, नाश्ता कर लो और खाना बनाने का शुरू करो जब तक। अभी दोस्तों बहुत दूर आए थे वीडियो अपलोड करने के लिए और अपना वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ। अब चलते हैं गाड़ी पास, बहुत दूर आए हैं, देखिए उधर पुल के पास गए थे, आगे में पुल है, यहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा होगा इतना दूरी है जो। और हमको अभी जाना है 2 किलोमीटर, सामने भट्टा नज़र आ रहा है, वहाँ पे जाना है इधर से आगे से घूम करके। तो ठीक है दोस्तों, अभी पैदल जा रहे हैं, उधर से तो बाइक से आ गए थे। दोस्तों आ गए अपना गाड़ी में और वीडियो तो आज नहीं है अपलोड हुआ अभी तक, तो आज लग रहा है कि दोपहर हो जाएगा, शाम हो जाएगा, क्योंकि जब तक खाली नहीं होगा गाड़ी जब तक यहाँ से जाएंगे भी नहीं, तो फिर उधर ही रास्ता में देखा जाएगा कहीं पर कांटा के पास अपलोड किया जाएगा। तो देखिए इधर क्या क्या बना लिया है छोटू? चावल बना लिए हुए है और दाल बना लिए है। अच्छा, छौकन लगाने के लिए अथी कर रहे हैं, इधर पटल भी, पटल का भुजिया बनाएंगे, दाल भात भुजिया। हाँ, दाल चावल बन गया। हाँ, दाल चावल बन गया। तो ठीक है, भुजिया बना। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो में तो क्या कहें, बहुत ही परेशानी भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपलोड हो जाता तो सफल हो जाता कम से कम, लेकिन अपलोड नहीं हुआ है। दोस्तों अपना चावल दाल हो गया हुआ है और इधर देख सकते हैं थोड़ा पापड़ छान लेते हैं, इसके बाद देख सकते हैं भुजिया भी काट कर रखे हुए है पटल का, तो फिर पटल का भुजिया बनाएंगे, इसको पहले छान लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं पापड़ अपना छान लिए हुए हैं और इधर आप भुजिया भूजने का अति कर रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं, प्याज और लहसुन, प्याज अपना भुना गया हुआ है और इधर इसमें आप पटल डाल रहे हैं और पटल डाल के इसको भूनेंगे। ठीक, इसको भून रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं भुजिया अपना भुना गया हुआ है, देख सकते हैं अब इसमें हल्दी डाल दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अब हल्दी डाल देते हैं और नमक भी डाल दे रहे हैं, भूनते हैं। देख सकते हैं दोस्तों भुजिया अपना ये बन के तैयार हो गया हुआ है। तो ठीक है, अब इसको उतार दे रहे हैं, गैस बंद करते हैं। दोस्तों अभी देख सकते हैं हम लोग का खाना अभी निकलना शुरू हो गया है, छोटू अपना खाना निकाल रहा है दोनों आदमी का, और इधर देखिए चावल निकल गया है और दाल निकाल रहा है छोटू। हम लोग का खाना निकल करके रेडी हो गया है, छोटू अपना निकाल दिया है
उधर छोटी का, इधर अपना, इधर पापड़ ऊपर सब निकाल करके रेडी कर दिया है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग खाना खाने का। छोटू खाया जाए? हाँ खाया जाए। तो ठीक है, देखिए इधर सलाद उलाद भी काट दिया है छोटू। अब भुजिया है, परवल का भुजिया, मस्त भुजिया, दाल चावल भुजिया, सलाद, पापड़, अचार भी है। अरे अचार तो भूल रहे थे हम। ठीक है, तो खाना खाया जाए। कैसा है? बहुत बढ़िया है खाना। हाँ। दाल भात पापड़ अचार प्याज है। तो अब हम भी शुरू करते हैं दोस्तों खाना खाने का। बहुत ही मस्त है खाना। दोस्तों दिन का 12:30 बज गया हुआ है और आ गए हम, आप लोगों को दिखा रहे हैं अपना गाड़ी कितना खाली हो गया हुआ है। तो ये देख सकते हैं गाड़ी अपना ये खाली हो गया हुआ है। अब 4 टन का लगभग माल बचा हुआ है। ठीक है, लेबर भाई लोग अब खाली कर ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब लग रहा है 1-1.5 घंटे में अब खाली हो जाएगा अपना गाड़ी। दोस्तों अभी देख सकते हैं अपना गाड़ी खाली हो गया है। छोटू अपना डाला भी लगा लिया और देखिए इधर कोयला खाली हो गया। और ठीक है, अब कांटा पर निकलते हैं हम लोग। दोस्तों चिमनी भट्टा पर से निकल गए खाली करके और व्यापारी कांटा भी नहीं कराए, वहाँ के वजन और यहाँ का वजन मिला करके और हमको भाड़ा भी दे दिए हैं। अब यहाँ से अब निकलते हैं और चलते हैं। अपना लोडिंग का भी बात हो गया है। तो अब देखिए तरैया से हमको लोडिंग का बात हुआ है। मसरक से आगे तरैया है, तो वहीं से हमारा लोडिंग का बात हुआ है और चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं व्यापारी से कि कौन कांटा पर आना पड़ेगा और गेहूं लोड होगा अपना गाड़ी में। धनबाद का हो सकता है, धनबादे का होगा, अभी क्लियर बात हुआ नहीं है, आगे चल के बात करते हैं। दोस्तों अभी तरैया से हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। पार्टी हमको बोला था कि तरैया में आ करके कांटा पे आ जाइए, तो अभी रुके थे। छोटू को बोले थे कि थोड़ा पानी ले आओ, तो पानी ले आया छोटू। और देख सकते सामने होटल है, तो इसी होटल पर रुके थे अभी। तो अभी चलते हैं अब कांटा पे, लगभग यहाँ से 5-6 किलोमीटर रह गया है। तो चलते हैं कांटा पर, अब देखिए कि पार्टी आज लोडिंग करवाता है कि कल। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं अभी। दोस्तों अभी तरैया पहुंच चुके हैं और अभी पार्टी से भी बात हुआ है, तो पार्टी बोले हैं कि अभी तो शाम हो गया, 5:30 बज गया है लगभग, आज तो लोड होगा नहीं, कल ही लोड होगा आपका गाड़ी। तो ठीक है दोस्तों, और देखिए यहीं पे सामने कांटा है, स्टार धर्म कांटा, और यहीं पर सामने भी होटल भी है यहाँ पर बगल में ही। तो थोड़ा देर में चला जाएगा चाय पानी पीने के लिए। और देखिए इधर नहाने खींचने का भी जगह है, तो अपना अब मेन बात है कि अब गाड़ी लगाने का जगह। तो देखते हैं इधर ना होगा तो गाड़ी लगाया जाएगा, इधर खाली जगह है, कांटा वाले से बात करेंगे, अगर बोलेंगे तो इधर लगा दिया जाएगा गाड़ी। और यहीं पर अब रहना पड़ेगा हम लोग को रात भर। तो ठीक है दोस्तों, और शाम को फिर खाना भी बनाना पड़ेगा। दोस्तों शाम का 6 बज गया हुआ है और हम चलते हैं, कुछ राशन उशन ले आते हैं, आगे में जाना पड़ेगा, ऑटो पकड़ कर बाजार है आगे में। तो ठीक है राशन उशन ले के आते हैं, तो शाम को नहीं होगा तो यहीं पर नहा लेंगे, यहाँ पर चापा कल है देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम जाते हैं राशन लेने के लिए। दोस्तों गैस भूल गए थे, क्योंकि गैस भी अपना ख़त्म हो गया हुआ है, तो आगे से आए हैं लौट करके। ठीक है, अब गैस भी लेके जाते हैं और गैस भी भरवा लेंगे 2 लीटर ले। दोस्तों गए थे बाजार, तो देख सकते हैं बाजार से कुछ सब्जी उब्जी भी अपना ले लिए है और आटा चावल भी ले लिए है और अपना गैस भी भरा गया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इधर साफ उफ कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं नहाने के लिए। और नहा कर आते हैं तो फिर चाय पीने जाएंगे और चाय पी के आएंगे, तो फिर अपना खाना बनाने का शुरू कर देंगे। दोस्तों अभी नहा धोवा करके आ गए हैं हम छोटू, और अभी मस्त लग रहा है, एकदम नहा धोवा लिए हैं, एकदम ठंडा ठंडा पानी, चापाकल का पानी था, नींद अच्छा पड़ेगा नहा लिए शाम का समय। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं चाय पीने के लिए, सामने होटल है, चलते हैं अभी चाय पीने के लिए, चला जाए। दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं होटल में, चलते हैं और चाय का ऑर्डर करते हैं। फिर सामने अब आ गए और छोटू भी अपना टुकड़ा टुकड़ा आ गया ना, बैठा जाए छोटू, भैया चाय दीजिए। दोस्तों अभी देख सकते हैं हम लोग का चाय आ गया है और उधर छोटू का है, तो शुरू करते हैं चाय पीने का और चाय पी करके चलते हैं, अभी खाना भी बनाना पड़ेगा। तो ठीक है चाय पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी पास जाते हैं, फिर खाना वाना फिर बनाना पड़ेगा।
दोस्तों देख सकते हैं अभी भिंडी काटना शुरू कर दिया, आज भिंडी का ही सब्जी बनेगा। और भिंडी काट लेते हैं, और उधर देखिए छोटू भी लहसुन प्याज छीलना शुरू कर दिया है, और हम भी भिंडी अपना काट लेते हैं, बैठल बैठल क्या करें। और अभी भिंडी का सब्जी बनाने जा रहे हैं, देख सकते हैं सब कट छट कर रेडी हो गया है। तो अभी गैस जलाते हैं, फिर गैस अपना जल गया, अब कढ़ाई को इस पर दे देते हैं ताकि कढ़ाई भी गर्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब कढ़ाई अपना गर्म हो गया है, अब इसमें तेल डाल देते हैं, बस ज़्यादा नहीं रखेंगे, कम में रखेंगे। और तेल अपना गर्म हो गया है, अब इसमें जीरा का फोरन दे दे रहे हैं, थोड़ा सा लाल होने देते हैं जीरा को। जीरा अपना एकदम लाल हो चुका है, धुआं एकदम दे रहा है। तो लहसुन प्याज मिर्चा अब इसमें डाल देते हैं, और देखिए प्याज भी डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको भूनते हैं। अभी अपना प्याज भी लाल हो चुका है, मिर्चा लहसुन देख सकते हैं, और इसमें अब डाल रहे हैं भिंडी। भिंडी को थोड़ा भूनते हैं, इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, खाली इसको पलटना है। देख सकते हैं दोस्तों भिंडी अपना भुजा गया है, और ये देखिए मसाला का घोल बना करके रखे हुए हैं, और इसमें मिर्चा का पाउडर है, धनिया का पाउडर है, और जीरा गोलकी का पाउडर है, और मीट मसाला का पाउडर है। तो इसमें अब डाल देते हैं, और इसको मसाला को पकने तक भूनते हैं। दोस्तों अब नमक भी इसमें छोड़िए देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों भिंडी अपना एकदम भुना गया है, मस्त एकदम भुनाया है भिंडी, देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ दे रहे हैं, ज़रा सा पानी छोड़ रहे हैं ताकि मसाला जो भी थोड़ा मोड़ा बचल होगा वो भी भुना जाएगा, हल्का सा लटपट रहना चाहिए खाने के लिए। तो भिंडी तो ऐसे कच्चा भी खाने का चीज़ है, लेकिन थोड़ा सीझ भी गया तो बढ़िया है। अब इसको थोड़ा सा ढक देते हैं, बस उतार दिया जाएगा थोड़ा देर में। देखते अपना सब्जी बन करके एकदम तैयार हो चला है, अब इसको उतार देते हैं। अब देखिए अब तावा चढ़ा देते हैं, और इधर देख सकते हैं आटा उटा अपना सना करके रेडी हो गया है। तो अब छोटू शुरू करता है रोटी बनाने का। देख सकते हैं दोस्तों छोटू का रोटी बनाने का तरीका, और इसका रोटी हर रोटी एक एक रोटी फूला फूला नजर आएगा, सब रोटी देख सकते हैं एकदम फूला हुआ एकदम नजर आएगा, देख सकते हैं। रोटी ऐसा हर कोई नहीं बना लेगा, ये बात है कि एकदम पक्का पक्का एकदम रोटी है। और देख सकते हैं कलर, देख सकते हैं रोटी का कैसा है, एकदम बहुत ही मस्त है। अब छोटू हाँ बहुत ही मस्त रोटी बन रहा है तुम्हारा। दोस्तों देख सकते हैं अपना रोटी बन के फाइनल हो गया हुआ है, ये लास्ट रोटी है बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों, लास्ट रोटी बचा हुआ है इसको बना लेते हैं। दोस्तों अपना खाना वाना भी बन गया हुआ है, और जब तक हम सलाद भी अब काट लेते हैं, ठीक है, अब सलाद उलाद काट कर फिर अब खाना वाना खाया जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं छोटू अपना खाना निकालना शुरू कर दिया है, और मस्त सब्जी भिंडी का। दोस्तों हम लोग का खाना निकल करके रेडी हो गया है, और अब शुरू करते हैं ना छोटू। हाँ शुरू किया जाए। हाँ शुरू किया जाए। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं खाने का, देख सकते हैं भिंडी का सब्जी और रोटी। भिंडी का मजा ही कुछ और है, सही पूछिए तो बहुत ही मस्त सब्जी बना हुआ है। और इधर छोटू का भी है, कैसा है छोटू? बहुत ही मस्त सब्जी है, ऐसे भी भिंडी का सब्जी भी हमें बहुत पसंद है। बहुत मस्त, सही में बहुत ही मस्त बना हुआ है सब्जी। तो दोस्तों अभी खाना पीना तो खा लिया हम लोग, और रात का 10 बज गया है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।